बहकी सभी जुबा है। तो भाई पोहे आज पहली बार कचौरी के साथ दही मिला है। यहाँ पे प्याज व्याज पता नहीं मिलते नहीं है, हमारे इंदौर में अच्छे मिलते हैं। ये देख लो, ये दिख रहा है आपको इंडिया का नक्शा अपना, ये है श्रीलंका और ये इंडिया का नक्शा। वहाँ सुबह की लॉगिंग चल रही है और मन नर्मदा में बहुत सारे लोग भाई स्नान कर रहे हैं। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, तो भाई सुबह की 6 बज रही है और 6 बजे सुबह हमारे सामने प्रकट हो चुका है। ये देखो अभी तक लाइटें बननी हुई घर की, धूप भी आ गई है, 6 बज रही है तो और ये हमारे हाथ में आ गई काली काली चाय सुबह सुबह। अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा आज लंबे सफर पे, थोड़ा सा शुभम बताएंगे कहाँ निकल रहे। शुभम बताओ। अभी हम जाने वाले हैं सेंधवा और अभी ये नहीं बताएंगे किस लिए, क्योंकि आप वरना ब्लॉग पूरा देखोगे नहीं, तो हम आपको खलघाट में जाके बताएंगे हम सेंधवा क्यों जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं। आप ब्लॉग में बने रहिए। हमारा जो प्लान था ना, हमारा प्लान था भाई निकलने का सुबह 4 बजे और हम लोग रात में पार्टी पे से आए करीब 12:30 बजे। अब सोते करते बज गई 1, अब इतना टाइम हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो अभी हम लोग का प्लान है फटाफट से निकलने का, चाहे फिर ना हम लोग आगे करेंगे। और देख लो ये भाई पूरा तैयार है क्योंकि आज बहुत हालत खराब होने वाली, निमाड़ एरिया में जा रहे हैं भाई हम लोग। निमाड़ में बहुत गर्मी है, हमारे यहाँ फिर भी कम है, अगर हमारे यहाँ 35 होता है तो हम लोग वहाँ पे 40 होता है। तो मतलब आज हम लोग आलू बन के आएंगे उधर से, वो भी भुना हुआ आलू, भुना हुआ आलू बन के आएंगे आलू का आने वाला है। रास्ते में थोड़ा सामान खरीदना है, अभी हम लोग ज़्यादा करवा ज़्यादा सफर में ब्लॉग दिखाऊंगा नहीं, जो भी मेन मेन होगा देख लेना आप लोग। तो अभी मिलते हैं आगे। निकल चुका है सूरज और इधर से हमारा सूरज निकल चुका है गाड़ी लेके। तो अभी फिलहाल अपने घर को बाय बाय कहते तो निकल रहे हैं हम लोग। ये देख लो भाई कांच में हमारा शक्ल है, फटाफट निकल गए, पापा भी उठ गए। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। अभी हमने लिया नाश्ता भाई पोहे, आज पहली बार कचौरी के साथ दही मिला है। यहाँ पे प्याज व्याज पता नहीं मिलते नहीं है, हमारे इंदौर में अच्छे मिलते हैं। सुबह कचौरी के साथ मिला आपको दही जो मक्खन का सामान है। तो अभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, हमको चलते हुए कम से कम 1.5 घंटा हो गया है। और देख लो भारत का माहौल ऐसा है, थोड़ा ठंडा माहौल है, थोड़ा गर्म माहौल है, अभी धूप बढ़ रही धीरे धीरे। सहनी हमें तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं भाई खलघाट, हमने पार कर दिया है नर्मदा घाट पे हम लोग, इसके ऊपर है। ये देख लो, ये दिख रहा है आपको इंडिया का नक्शा अपना, ये है श्रीलंका और ये इंडिया का नक्शा। वहाँ सुबह की लॉगिंग चल रही है और मां नर्मदा में बहुत सारे लोग भाई स्नान कर रहे हैं, दिख रहे होंगे आप लोग को, दिख रहा है लोग भाई। ये ब्रिज इतना हिलता है यार, हटती है यहाँ पे हल्का। अभी हम लोग खलघाट से हम लोग को पड़ेगा करीब करीब 60 किलोमीटर जाना, आगे साइड सीधा है। अभी हम निकलते हैं सेंधवा के लिए और ये सभी को मां नर्मदा के दर्शन कर लीजिए भाई। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसे जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए। तो गाइस हम लोग जिस काम के लिए गए थे भाई वो हो गया है, अभी हमारा गाना रिकॉर्ड हो गया है और बहुत कुछ आने वाला है नया बताएगी। पर तुम ये चेक करो भाई, मौसम चेक करो, शुभम भाई को चेक करो तुम, ब्यूटीफुल। पर यहाँ हमने लिए पकौड़े, अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठे। देखो क्या व्यू है यहाँ का,
बहुत शानदार। पकौड़ा खा रहे भाई, ठंडे है लेकिन मजा आ रहे हैं, बहुत टेस्टी है। चाय पीने की जरूरत है, हमारी चाय आ चुकी है, चाय और पकौड़े का नाश्ता। भाई मौसम देख लो, बहकी सभी जुबा है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास। भाई बहुत ही शानदार चाय और पकौड़े का नाश्ता हो गया है। शुभम पाजी भी लगे हुए हैं। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।